लेकिन घर में जो है मम्मी वगैरह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थी, और जो है एक जैसे जनरली एक मुस्लिम फैमिली होती है वैसी ही फैमिली थी। और जिस माहौल में मैं रहती थी वहाँ जो है आसपास ज्यादातर साइंटिस्ट लोग थे, रिसर्चर लोग थे। तो मैंने, अगर आप ये कहा जाए कि मैंने आँख खोल के चारों तरफ अपने डॉक्टर साइंटिस्ट रिसर्चर ये देखे तो ये गलत ना होगा। उसके बाद जो है ऐसे ही माहौल में बड़ी हुई, तो घर में जैसे कि माएँ होती हैं अक्सर, क्योंकि जो माएँ होती हैं, माँ होती हैं, मैं समझती हूँ घर की जो माँ होती है या औरत होती है, मेन प्रमुख मुखिया जिसे बोलते हैं, मजहब या धर्म का जो है भार उसी के कंधों पे होता है। तो इसी हिसाब से मेरी मम्मी का ज्यादा रोल रहा कि ये सब समझाने में, बताने में या प्रेशर डालने में कि तुम्हें कुरान पढ़ना है, मौलवी लगाए गए, पढ़ा भी कुरान। और कुरान उस टाइम पे तो ऐसे पढ़ा था कि मौलवी साहब 4 लाइनें याद करने को दे देते थे, याद कर लेते थे, फिर वो अगले दिन का सबक दे देते थे, आके सुन लेते थे। और क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या लिखा है वो हमें कुछ नहीं पता होता था, सिर्फ पढ़ते थे और दूसरे दिन मौलवी साहब को सुनाते थे। तर्जमे तो बाद में हम लोगों ने पढ़े, तो जैसे एक उस टाइम पर भी पढ़ते थे जब मौलवी साहब से, या धीरे धीरे हम जब बड़े हो रहे थे तो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे सवाल भी दिमाग में उठते जा रहे थे कि हम देखते थे कि मुस्लिम घरों में या रिश्तेदारी में या अपने घर में भी कि मतलब काफिर और मोमिन के बीच एक क्लियर जो है, एक उनकी जो एक क्लियर डेफिनेशन होती थी कि ये जो है काफिर है ये लोग और ये जो है मोमिन लोग हैं। साफ ये बताया जाता था कि काफिरों से दोस्ती नहीं रखनी। हालांकि हमारे जो फ्रेंड सर्किल रहा वो नॉन मुस्लिम का ही रहा, ज्यादातर जो है ब्राह्मण फैमिली वहां ज्यादा रहती थी, तो वही फ्रेंड सर्किल में वही लोग थे हमारे। तो लेकिन एक प्रैक्टिस में हम प्रैक्टिकली तो हम उन लोगों से रोज मिलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, वो लोग भी हमसे बहुत अच्छे से बोलते हैं। उनका हमारा आपस का तालमेल बहुत अच्छा था, फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा था, कोई परहेज नहीं की जो है हमारा खाना वो टिफिन खा लेते थे, हम उनका खा लेते थे, कोई परहेज नहीं। लेकिन घर में या रिश्तेदारी में जब ये सुनते थे कि ये काफिर लोग हैं, इनसे दूरी बरतना चाहिए और ये लोग जहन्नुम में जाएंगे, दोजख में जाएंगे, इनकी इनकी इनका गुनाह माफ नहीं होगा, ये इनकी बख्शीश नहीं होगी, तब वो दिमाग सोचने पे मजबूर होता था कि जिनके साथ मैं रात और दिन रह रही हूँ, जिनको मैं अच्छे से जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, ये आखिर दोजख में क्यों जाएंगे? इन्होंने तो कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमसे कभी कोई किसी भी तरह की कोई नाइतफाकी नहीं भी फ्रेंड सर्किल में भी, तो ये दोजख में क्यों जाएंगे? और दूसरी बात, अगर ये काफिर होने की वजह से दोजख में जाएंगे तो इसमें इनका क्या गुनाह है? अल्लाह ने इनको जो है, दिमाग में यही सवाल मेरे सबसे पहले, या मुझे जहां तक अपने होश का जो पहला सवाल मेरे दिमाग का जो याद है वो यही है कि मैं ये सोचती थी कि अगर ये काफिर दोजख में जाएंगे तो इनको काफिर बनाने वाला भी तो अल्लाह ही है, और अल्लाह ने ही इनको काफिर घराने में पैदा किया, तो इसमें इनकी क्या गलती? तो ये मैं जब सोचती थी तो उससे और सवाल उठते थे, और जो है घर में या किसी से रिश्तेदारी में या मम्मी से पूछते थे कि भाई ऐसा क्यों है, सवाल ज्यादा उठने लगे। क्यूरियोसिटी बचपन से मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, तो उस टाइम पर सवाल का जवाब तो मुझे कभी नहीं मिलता था, बस सीधे से आंसर ये होता था कि दीन में, इस्लाम में जो है अकल का दखल मना है, तो या फिर ये कहा जाता था कि दीन में हुज्जत नहीं है, या फिर ये सुनना पड़ा कि जो है ये सुनना पड़ा कि जो है जो लिखा है बस वही मानना है, सवाल नहीं करने हैं। फिर मैं सोचती थी कि अगर सवाल नहीं करने हैं तो सवाल जो दिमाग में अच्छा, सवाल उठ रहे हैं वो इससे नेचुरल है। नसीहत जी, मैं बीच बीच में कुछ सवाल आपसे कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे लगे कि थोड़ा बहुत पूछना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मैं बिल्कुल ये कह रहा था कि ये जो आपके घर पे काफिरों को लेके जो इतनी नफरत थी, उसकी उसका बेसिस क्या था? मतलब उनके दिलों में इतनी शिद्दत क्यों आ गई थी कि ये इनसे दोस्ती नहीं रखना है या इनके साथ उठना बैठना नहीं है, ये हमारे जैसे नहीं है, ये क्या वजह रही? कुछ आपको ऐसा कुछ समझ में आया कि ये मेरे घर वाले इतने क्यों इस बारे में बातें करते हैं? जी, जो मैंने नोटिस किया, जो मुझे तजुर्बा हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, ये मुझे, क्योंकि आसपास कोई भी सिंगल ऐसी फैमिली नहीं थी उस जगह पे
एजुकेशनल कैंपस था, सब हाईली हाई सोसाइटी वाले लोग थे, हाईली एजुकेटेड लोग थे, कोई भी वहां पे अनपढ़ इंसान नहीं था आसपास किसी भी फैमिली। तो जाहिर सी बात है झगड़े लड़ाई इस तरह की तो हमने लाइफ में कभी देखे ही नहीं, या किसी भी तरह की जो आम मुस्लिम मोहल्लों में होते हैं, मोहल्ला टाइप जो जगहें होती उनमें जिस तरह की बातें होती वो चीज हमारे साइड नहीं थी बिल्कुल भी। इस इतना बढ़िया एनवायरनमेंट होने के बाद भी अगर हमारे घर में किसी के दिमाग में ये बात है आती थी कि काफिर काफिर ही होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, उसका सीधा सा मैंने ये देखा कि हमारी मम्मी जो है कुरान के लेकर बहुत सख्त थी। यानी कि वो दिन में कुरान 3 बार तो वो पढ़ती थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग, फिर असर के वक्त, असर जोहर के बीच में, फिर उसके बाद जोहर असर के बीच में, फिर उसके बाद जो है रात में ईशा से पहले, और जब तक उनके हाथ पैरों में दम रहा उन्होंने तहज्जुद की भी नमाज पढ़ी। यानी मैं उनको पागलपने की हद तक देखती थी दीन को फॉलो करते हुए, पागलपने की हद तक, और उसको देख के मैं बड़ा इरिटेट होती थी। मैं देख रही हूँ उनके पैरों में दर्द है, परेशानी है, उसके बाद भी घिसट घिसट के, लंगड़ा लंगड़ा के, डॉक्टर ने मना किया है कि ठंडे पानी यूज नहीं करना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग ठंडे पानी, जाड़ों में ठंडे पानी से वजू कर रही। तो मैंने उनको देखा बहुत ही कट्टरता के साथ, बहुत ही सख्ती के साथ उन्होंने दीन को फॉलो किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो है उन्होंने कुरान का जो भी तर्जुमा है उस पे लफ्ज ब लफ्ज उसको फॉलो किया। तो क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है इस तरह की सूरह आयतें हैं, सूरह है कि काफिर, और मतलब कुरान में मुझे अच्छे से आज की डेट में मुझे ये बात अच्छे से पता है कि कुरान में कुछ ऐसी सूरह और आयतें हैं जो इंसान को क्लियरली काफिर और जो कुरान को क्लियरली जो है इंसान को क्लियरली काफिर और मोमिन में डिफ्रेंशिएट करती है, साफ साफ, चाहे काफिर के आमाल कितने भी अच्छे हों और चाहे मोमिन कितना भी बुरा हो, पर उसका बेसिक ये है कि काफिर काफिर ही रहेगा चाहे कितना भी वो अच्छा कर ले, और मोमिन जो है लाख बुराइयों के बावजूद अगर वो अल्लाह को मानता है और अल्लाह के रसूल को मानता है तो वो जन्नत का हकदार है, चाहे वो थोड़ी सी सजा देने के बाद लास्ट में उसे जन्नत ही भेजा जाएगा। ये चीज मैंने देखी, ये साफ साफ पता लगता था, अच्छे से जाहिर होता था कि कुरान को पढ़ने के बाद, दीन को बहुत ज्यादा फॉलो करने के बाद, बहुत सख्ती से फॉलो करने के बाद उनके अंदर ना एक कट्टरता सी आ जाती है। वो मतलब मैं देखती थी कि बिल्कुल लफ्ज व लफ्ज उसको फॉलो किया जाता था। तो जो है मैं आज की डेट में समझ सकती हूँ कि जो लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे, जो लोग इसको फॉलो करते हैं, खुले दिमाग से इसको नहीं पढ़ते हैं और जो है सिर्फ लिटरल मीनिंग लेकर जो है पढ़ते हैं इसको, तो वो जो दूसरों को ये लोग बोलते हैं गुमराह हैं, भटके हुए, एक्चुअल में यही खुद भटके हुए हैं, ये खुद ही गुमराह हैं जो है, जो इस तरह से एक किताब में लिखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करके जो है इंसानियत के साथ दुश्मनी करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। फिर आप आगे का बता रही थी। जी फिर जो है जैसे जैसे हम बड़े हुए तो सोचने समझने की सलाहियत बढ़ती गई। उसके बाद जब मैंने साइंस स्ट्रीम ली 9th क्लास में, हमारे टाइम में 9th से ही साइंस और आर्ट्स अलग हो जाती थी स्ट्रीम, उसके बाद जो है पढ़ना शुरू किया साइंस, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह सभी कुछ पढ़ा, ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ तक आते आते ये बात सारी क्लियर हो चुकी थी कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया एक सिंगल सेल से कैसे इवोल्यूट होकर जो है आगे बढ़ी है, कैसे सिंगल सेल से पूरी पूरी जो है ये स्पीशीज बनी, ये सब समझ में आ गया। तो फिर सोचती थी कि किस तरह से बचपन में हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था कि जन्नत से आदम को फेंका और उनकी पसली से हव्वा को निकाला गया, फिर उनके बच्चे हुए और फिर जो है उनकी आपस में शादी हुई, इससे आगे स्पीशीज बढ़ी, नस्ल बढ़ी। तो मतलब एक कुछ वक्त जरूर ये रहा है कि मैंने भी इस्लाम को फॉलो किया, जब तक मम्मी का घर में छोटे थे और मम्मी का दबदबा था या मम्मी के प्रेशर में रहे, तो उस टाइम तक मैंने भी इस्लाम फॉलो किया, बहुत सख्ती से नहीं लेकिन किया, नमाजें भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, रोजे भी रखे। लेकिन
बहुत ज्यादा मेरे पर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि मैं मेरे को पढ़ने की बहुत बहुत ज्यादा आदत है। किसी भी तरह की नॉलेज की बुक, स्पेशली साइंस की जितनी भी बुक्स वगैरह होती हैं, साइंस की रिसर्चेस पढ़ने की मेरे को बहुत शौक है, तो वो सब पढ़ते पढ़ते प्लस अपना सिलेबस पढ़ते पढ़ते इतना दिमाग खुला कि समझ में आ गया क्या सही है क्या गलत है और हमें क्या फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। और मैं समझती हूँ आज की डेट में कुरान में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है जो कुरान से पहले लोगों को नहीं पता थी। और मोरल वैल्यूज के लिए लाइफ में हमें किसी भी किताब की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो मोरलिटी मोरल वैल्यूज होती हैं, जो वो बचपन से इनबिल्ट होती हैं, हमें भी पता होता है कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है और किसी की चीज बिना पूछे उठाना गलत है। ये चीजें, ये बड़ी बुनियादी चीजें होती है जो इंसान बचपन से ही समझता है इन चीजों को। वो चीज अलग होती है कि उनकी परवरिश किस माहौल में हुई है तो वो उस तरह के हो जाते हैं। नहीं तो हम आज के टाइम में हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, हमारा कानून, किसी भी देश का कानून कह लो, स्पेशली हमारे देश का भी, हमको अच्छा नागरिक बनाने के लिए सफिशियंट है, काफी है। हमें किसी किताब की, किसी मजहब की, किसी दीन की, किसी धर्म की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे आज की डेट में ये समझ में आया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो फिर क्या मतलब ट्रांजिशन फिर आपका जो चालू हुआ तो वो कहाँ पे खत्म हुआ? यानी आपने बिल्कुल फिर छोड़ दिया, फिर घर पे से कैसा उसका असर रहा? जी, तो ट्रांजिशन होते होते ये हुआ कि शादी के बाद जो है, शादी एक मुस्लिम फैमिली में हुई, हस्बैंड मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, जमाती हैं, और ससुराल काफी काफी जो है वैसी रिवायती पर ट्रेडिशनल फैमिली है, जैसे काफी उसको मानती है। मतलब जैसे एक होते हैं ना सिंपली मुस्लिम होते हैं, हमारे यहाँ ये था कि 13 साल के लड़के से भी पर्दा करना है, आपके घर में एंट्री नहीं हो सकती, 13 साल के लड़के की भी एंट्री नहीं हो सकती है। तो ये सब देखकर ना मेरा जी और उलझता था। मैं कहती थी कि एक 13 साल का बच्चा जो अच्छा या गलत नजर पहचानता ही नहीं है, वो समझता भी नहीं होगा, लेकिन आप उसको आइसोलेट कर दो कि नहीं नहीं तुम्हें घर में नहीं आना, औरतें हैं घर में, तो वो ना चाहते हुए भी सोचने लगता है फिर उस तरफ को। आप इस उम्र में लड़के को ये कह रहे हो कि नहीं नहीं तुम्हें घर में नहीं आना है, यहाँ औरतें हैं और तुम जो है क्या बोलते हैं, नामहरम या महरम जो भी, मतलब गैर गैर मर्द हो, जबकि बच्चा 13 साल का, उसको तुम ये बात बता रहे हो। बहुत सारी चीजें थी कि ससुराल में कि आईब्रोज नहीं बनवानी है, आईब्रोज बनवाना गुनाह है। तो मैंने कहा ये क्या चीज है, आईब्रो बनवा ली तो इसमें गुनाह की क्या बात है? तो मैंने अपने ससुराल में पूछा, अगर आईब्रो बनवा लिया तो इसमें गुनाह क्या है? तो बोले कि इसमें ये, मैंने कहा इसका लॉजिक बताओ, तो वो कहने लगे कि दर्द, अपने अपने जिस्म को दर्द देना गुनाह है। तो मैंने कहा तो ये जो खतना होता है फिर, मैंने कहा खतना फिर क्यों करवाते? तो अपने मैंने कहा जिस्म को दर्द दर्द देने देना का गुनाह है। कॉपीराइट, दर्द देने का कॉपीराइट से बल्ला को है। तो अगर कभी म्यूजिक का मुझे शौक है, अगर गुनगुना लिया तो नहीं गुनाह है। मुझे आर्ट्स वगैरह ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक है, अगर मैंने तस्वीर बना ली तो नहीं ये जी गुनाह है, ये हराम अगर है, ये तो अपने हराम है, आप को तस्वीर बनाना दर्द, तो बिल्कुल ही हराम है, जब मेरे रुकिए शौक जी, मारे जाने लगे। जी मेरी आवाज आ रही है। मैं कह रहा दर्द देना ही गुनाह है, तो एक औरत को तो फिर कभी भी प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इतनी ये तकलीफ बस होती है उसमें, जब प्रेगनेंसी का पूरा जो 9 मंथ का फेज होता है, उसके बाद जब हाँ आप डिलीवरी जब डिलीवरी आपकी टाइम, होती है, तो भाई हाँ कितना दर्द होता है। तो भाई वो फिर दर्द, अपने आप को जब दर्द देना, तकलीफ देना जो है गुनाह है, तो बच्चे भी नहीं पैदा करो। सबसे ज्यादा बच्चे तो हमारे मोमिन हजरात ही पैदा करते हैं। ये किस हाँ तरीके के सबसे ज्यादा लॉजिक दर्द इनके तो इन्हीं होते की औरतें झेलती हैं। हाँ सबसे ज्यादा दर्द इनकी ही औरतें झेलती हैं। हैं? तो लाइफ में कुछ ऐसे शौक थे जो मारे जाने लग गए, जैसे म्यूजिक का था या ड्राइंग का था। तो भाई वहां पे तो मेरे को डिप्रेशन सा होने लगा। मैंने कहा भाई ये सब क्या है कि भाई देखो, अगर किसी को ड्राइंग का शौक है और मुझे आती भी है और उसको मैं और अच्छे से कर सकती हूँ, तो ये समझ लो कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है, मुझे जो मेरे को आ रहा है। तो तुम नेचर की चीजों को कैसे रोक सकते हो?
जो नेचुरली गिफ्टेड चीजें होती हैं, जो क्वालिटीज इंसान के अंदर होती है, कोई कोई बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत कोई बहुत अच्छा कुदरती डांस बहुत अच्छा करता है, तो ये चीजें कुदरती होती हैं, बाय बर्थ होती हैं, उसको थोड़ा सा लोग निखार के प्रोफेशनल बन जाते हैं, अच्छी बात होती है। तो तुम कुदरती चीजों को जब रोकते हो, तो ये चीज मुझे नहीं समझ में आती थी। सबसे पहले पहला तो दिमाग वहीं पे कटका था कि सवाल नहीं पूछना है, वहीं पे मेरा मन वो हो गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, जब दिमाग दिया है, दिमाग है हमारी बॉडी में, तो दिमाग का काम क्या है फिर? अगर सवाल पूछना ही नहीं है तो दिमाग देने की जरूरत नहीं थी, जब सारा काम एक किताब के हिसाब से हमें करना है, किताब को फॉलो करके, और बाकी काम अल्लाह को अल्लाह की मर्जी पे छोड़ देना है, तो ये हमारा दिमाग बिल्कुल वेस्ट चीज है, फिर तो ये बिल्कुल वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया, यानी कि कोई भी इस अंग की कोई जरूरत ही नहीं है फिर तो, हमें ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी अक्सर मोमिन भाई लोग मुझसे पूछते हैं, फिर तुम्हारे पैदा होने का मकसद क्या है, जरा गौर करो अपने आप। तो मैंने कहा तुम जरा गौर करो कि तुम पैदा किसके साथ हुए हो, एक अदद पेट के साथ और एक अदद जेनिटल ऑर्गन के साथ पैदा हुए हो, बस इसी के लिए हम जिंदा हैं, और सारी कवायद पेट भरने की है। पेट भर के जब पेट भरा होगा तो आप अपनी जनरेशन भी बढ़ा सकोगे, वरना खाली पेट जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी तुम्हारी। तो मतलब ऐसी बात करेंगे कि तुम पैदा क्यों हुए हो, क्या मकसद है, अरे तुम्हें नहीं पता, साफ साफ दिख रहा है तुम पैदा ही पेट के साथ हुए हो, पेट भरने के लिए, काम करने के लिए हो, पैदा हुए हो। तो जो है बहुत तरह के सवाल लोग पूछते हैं, कुछ गालियों से नवाजते हैं, कुछ जो है सवाल मतलब बहसबाजी, खैर मैं इन चीजों में नहीं पड़ती हूँ, जिसे देना है गाली देता रहे, ये हमारे लिए रिवार्ड होता है, क्योंकि गाली देने का मतलब है कि हमारे सवालों से आप को खुजली हो रही है, जितनी ज्यादा गालियां दे रहे हो मैं समझ रही हूँ उतनी ही खुजलाहट हो रही है तुमको। खैर, तो ससुराल में सब देखने के बाद, हाँ मैंने जो है जब शादी जिस उम्र में हुई तो इतनी थोड़ा सा डर था समाज का, परिवार का, सबका, तो उस टाइम मैंने भी अपने बच्चों का खतना कराया। लेकिन जो है क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर ज्यादा ससुराल वालों का होता है कि कराना है, और नई नई शादी होती है तो फिर उनसे हम बगावत भी नहीं कर सकते, लेकिन धीरे 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 मेरी इतनी बगावत बढ़ गई, मैं मतलब मैंने ऐसे ऐसे मुस्लिम लोग देखे, ऐसी ऐसी उनकी हरकतें देखी कि मेरा मन ही बिल्कुल मतलब मैं खुलेआम बगावत में फिर आ गई। पहले एक जमाने में अजान वगैरह होती थी तो मैं सर पे दुपट्टा रख लेती थी, लेकिन आज के टाइम पे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ जो जिससे ये जाहिर हो कि मैं मुस्लिम हूँ। इसलिए नहीं कि मैं जाहिर नहीं होना चाहती, इसलिए कि मुझे समझ में आ गया है ये सब कितना जो है इंसान को दिक्कतें पैदा करने के लिए सारे काम है। एक तरफ जो है एक इंसान, मैं अक्सर क्या होता है हमारे ये बारफात वगैरह शब रात में जब जलसे होते हैं तो हमारी ही छत पर, हमारे घर की छत पे चार चार लाउडस्पीकर लगा दिए जाते हैं, और मुझे तेज आवाज से, बहुत तेज आवाज होती है, शायद सभी को इस तरह से बड़ा दिक्कत होती है, जैसे अख्तलाफ सा अजीब सा दिल में होने लगता है। तो भाई अगर मैं किसी से ये कह देती कि भाई मेरे मेरे छत से ये लाउडस्पीकर उतारो, तो शायद यही फतवा देते कि हाँ भाई तुम इस्लाम को पसंद नहीं करती। अरे यार तुम देख नहीं रहे हो कि कितनी मेरे घर में मेरी माँ है, वो हार्ट पेशेंट है, मुझे भी खुद शोर से बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं बहुत पीसफुल एटमोसफियर से आई हुई हूँ। तो इस तरह से करते, मतलब मैंने देखा कि एक-एक चीज जो है इंसान को परेशान करने के लिए है। अब जो है लोग कहते हैं कि तो अजान से शैतान को दिक्कत होती है। अब एक बार बताओ, एक मोहल्ले में, एक कॉलोनी में 5 मस्जिदें, और पांचों में तीन तीन चार चार लाउडस्पीकर, चारों तरफ उसके लाउडस्पीकर बंधे हुए, और जब पांचों दो दो मिनट की वक्फे से जब अजान होती है तो इंसान का सुकून दरहम बरहम हो जाता है, आप बात नहीं कर सकते हो। या इतने 1400 साल हो गए, तुमको आज भी आदत नहीं पड़ी, तुम्हें अपना अलार्म सेट करो, टेक्नोलॉजी है, अलार्म सेट करो, जाओ स्कूल जाना होता है तो कोई आपको माइक पे तो बुलाता नहीं, आपको जॉब पे जाना है कोई आपको आवाज देकर तो बुलाता अरे नहीं, हाय आप अपने हाय, अपने क्या टाइम से चले जाते हो, लेकिन चीखना आदमी, क्या जरूरी है, जबरदस्त, चीखना जरूरी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिएगा, क्या है। जी जबरदस्त आर्गुमेंट दिया है या एग्जांपल दिया है नसीहत जी, के स्कूल जाना होता है तो वहां से आपको स्कूल से इस तरीके में बोंगे से नहीं बुलाया जाता है, जॉब पे जाना होता है तो जॉब वाले कंपनी वाले आपको बोंगे में नहीं बुलाते, तो भाई तुमको नमाज पढ़ने के लिए ये बोंगे की जरूरत क्या है। और खास करके आप सोचो कि हम भी, मैं भी इसी ऐसी ही जगह पे रहता था,
जहां पे तकरीबन आसपास में 5-6 मस्जिद थी। अब उसमें से सोचो, खास करके जो मगरिब की नमाज है, अजान है, वो तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होती है। बाकी नमाजों में फिर भी चलो ऊपर नीचे थोड़ा वक्त हो जाता है अजान का, अलग अलग मस्जिद में फिरके के हिसाब से वो मस्जिदें जो है टाइमिंग्स रखती है, लेकिन मगरिब जैसी अजान ऑलमोस्ट हर किसी की अजान का टाइम सेम होता है। अब हर किसी को बोंगा लगाने का, कंपटीशन करने का बहुत शौक होता है, खास करके बरेलवी हजरात को। इनका कोई भी काम बिना बोंगे के होता ही नहीं है। अरे भाई आप सोचो कि वो जो बड़ी रातें होती है, शबे बारात हो गई, शबे मेराज हो गई, या लैलतुल कद्र, ये लोग रात के 2-2 बजे भी नमाज जो पढ़ते हैं, सलातुल तस्बीह करके नमाज पढ़ते हैं मोस्टली ये लोग, उसमें भी वो बोंगे पे पढ़ने की क्या जरूरत है रे भाई। अरे चुपचाप अपना अंदर जितना, मस्जिद के अंदर जितना साउंड चाहिए आपको उतना सेट करो, अंदर रखो। वो उसमें भी वो सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ा रहे बोंगे में, बयानात कर रहे बोंगे में। अरे ये क्या मुसीबत है भाई, जीना हराम हो जाता। जब मैं मोमिन था तभी भी मेरे को बहुत गुस्सा आती थी कि क्या मुसीबत है कि इनको हर चीज जो है वो बोंगे में ही करना है, ये कौन सा कंपटीशन चालू है। आप सोचो कि जो गैर मुस्लिम होगा उसका फिर क्या हाल होगा। तो कोई अगर किसी को घर नहीं देता है मोमिन को एरिया में कि भाई हमको देना ही नहीं है, वो इसी वजह से नहीं देता है कि उनको पता होता है कि भाई ये अगर यहाँ पे बस गए थोड़े 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 करके, फिर हमारा जीना हराम कर देंगे ये लोग रोज का, इस वजह से अवॉइड करते हैं लोग। तो बहुत जबरदस्त आपने एग्जांपल दी नसीहत जी, प्लीज कंटिन्यू करें। जी। उसके बाद बचपन में भी मैंने मौलानाओं की तकरीर सुनी है। मैं देखने भी, छोटे होते थे तो पापा के साथ चले जाते थे तकरीर सुनने। तो जो है, या अब तो हमारे पास टीवी, सोशल मीडिया का माध्यम है। जो तकरीरें सुनती थी वो इस कदर चीख चीख के होती थी कि बात तो उनकी समझ में नहीं आती थी, सिर्फ चीखना चीखना चीखना, और वो भी 1400 साल पुरानी बातें। फला का एग्जाम्पल, फला सहाबी ने, फला फला जो है नबी ने, फला रसूल ने, फला पैगंबर ने ये किया ये क्या, ये बताओ। 1400 साल से यही चीज रट रट के, सुना सुना के या पढ़ पढ़ के फर्क क्या आया है ये बता दो, बस इसका रिजल्ट बता दो। अगर इसका रिजल्ट कुछ पॉजिटिव होता तो आज 56 इस्लामिक देशों में इतनी जो है मारामारी नहीं होती। तो तकरीरों, जब वो तकरीरें सुनती थी तो दहशत सी हो जाती थी मेरे को कि किस कदर ये लोग चीख रहे हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ, अगर कोई वाकई में धार्मिक इंसान होगा, वाकई में अगर होता है, कुछ लोग ना भगवान ईश्वर के बिना नहीं रह पाते, वो उनकी कमजोरी होती है, तो मैं समझती हूँ असली धार्मिक इंसान वो होगा जो चुपचाप मन में याद करेगा ईश्वर, अल्लाह, भगवान, किसी को। उसके लिए कोई शोर शराबे की जरूरत नहीं। जब जब तुम खुद कहते हो अल्लाह शहर से भी ज्यादा करीब है, तो फिर चीख क्यों रहे हो ये बताओ। फिर तुम जो है चीख चीख के तकरीरें करना, लाउडस्पीकर से अजाने देना या जोर जोर से तिलावत करना, फिर उसकी क्या जरूरत है। और फिर दिखावा किस बात का करना, जब अल्लाह शहर से भी ज्यादा करीब है तो वो तो दिलों का हाल जानने वाला है। वो तो जानता ही है ना कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ उसके लिए कि उसने मुझे पैदा किया और मैं उसके लिए बड़ी एहसानमंद हूँ। वो तो जानता ही है ना। ये सब दिखावा भी, मतलब दो बातों में इनकी कंट्राडिक्शन है। या तो तुम ये मान लो कि अल्लाह जर्रे जर्रे में नहीं है और शहर से ज्यादा करीब नहीं है, वो इतना दूर है कि उसको चीख चीख के बताना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि मैं तुम्हारी इबादत कर रहा हूँ और मुझे माफ कर देना, मरने के बाद मुझे जन्नत देना। या तो तुम इस बात को मानो, या फिर जो है वो ये कहना छोड़ दो कि अल्लाह शहर से भी ज्यादा करीब है, या फिर ये नहीं है बात। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती है, ये दोनों में कंट्राडिक्शन है। तो जो है ऐसे ही बहुत से कंट्रडिक्शन है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, तर्जुमों में फर्क है, दुनिया भर के तफसीरों में अपनी अपनी मनमानी तर्जुमे हैं। आप किसी को अगर कोई भी हदीस भी निकाल के दिखा दो, कि अगर आप कोई बात बता रहे हो और हदीस दिखो वो मानता नहीं है, आपने अगर उसको हदीस दिखा दी, नंबर बता दिया, पेज नंबर, नहीं, ये तो तुम्हारी गढ़ी हुई है, नहीं, इस ऐप से नहीं चलेगी, नहीं, ये जो है वेबसाइट से नहीं निकालना है, लिखी भी दिखाओ, अरे सब कुछ कर दिया। और जिसे नहीं मानना होता है वो नहीं मानता, ये सिर्फ
ये जो है गुलाटियां मारते हैं बंदरों की तरह, या फिर हलवाइयों की तरह जलेबियां छानते हैं। दो ही बात है, इन लोग दो ही तरह के लोग होते हैं इनके अंदर। ये लोग जो है बात बात पे गुलाटी मारना, बात बात पे जलेबियां बनाना, और अपनी बात पे तो वो ठहरते ही नहीं है। इस तरह के बहुत ज्यादातर लोग हैं। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए मुझसे। नहीं, आपकी बातों में इतनी क्लैरिटी है कि उसमें सवाल आने की जरूरत ही नहीं है। बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपनी बात रख रही हैं। आई एम श्योर के जो मोमिन और मोमिनाएं सुन रही होंगी, दे शुड रिलेट के आप क्या बता रही है और वो हकीकत है या नहीं है। जी प्लीज गो अहेड। जी, उसके बाद मैं टीचिंग करती रही हमेशा से। साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा, तो मतलब अभी सीखने समझने की जर्नी चल ही रही है, क्योंकि सीखना समझना तो सदाउम्र रहता है, हमेशा रहता है, ये तो कभी खत्म होने वाली जर्नी है ही नहीं। लेकिन अब तक जो सीखा और समझा, उससे यही समझ में आया कि मजहब जो है सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा है और कुछ नहीं। और मुसलमान बनाने की, सबको मुसलमान बनाने की चुल यही दर्शाती है कि बाड़े में जो है भेड़ों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। बिना दिमाग की भेड़ें एक तरफ हकाओ, सारी उसी तरफ चली जाती हैं। जिसका जिन लोगों को कुछ भी नहीं सोचना समझना है, आगे वाली भेड़ जिस तरफ जा रही है, सारी हजार की हजार भेड़ भी उसी तरफ चली जाएंगी, बिना ये सोचे कि वो क्यों उधर जा रही है और उसका क्या हाल होगा। सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में, सवाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है, डिबेट डिबेट कर नहीं सकते हैं, लॉजिक दे नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि आज की डेट में मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ, कोई भी इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैं नास्तिक से पहले रैशनलिस्ट थी, रैशनलिस्ट मैं पहले हूँ, क्योंकि हम जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं वो रैशनलिस्ट होते हैं, उनको उनको हर चीज में लॉजिक चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस भी चाहिए होते हैं। और उसके बाद जो है धीरे धीरे मैं नास्तिकता की ओर बढ़ गई, और आज की डेट में जो है मैं कुछ भी नहीं मानती हूँ, और बिना कुछ माने मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छी लाइफ में जी रही हूँ, बशर्ते मोमिन अगर उंगली ना करे तो। तो ये उंगली करने की कोशिश करते हैं कुछ मोमिन हजरात आपको कि आप ऐसी क्यों हो गई और क्या उनका तर्क होता है। वैसे ऐसे जानने वालों को तो नहीं पता है कि मेरी क्या आइडियोलॉजी है। मैं असल में बहस भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस का कोई फायदा भी नहीं होता है। जिन लोगों को सिर्फ अपनी बात मनवानी होती है या थोपनी होती है, उन लोगों से बहस करके उन्हें बता के भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत से लोग जो है जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हुआ, बहुत से लोग बहुत से लोगों का तो कहना यह है कि आप लोग यानी हम जैसे लोग इस्लाम को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें अय्याशी करनी होती है। भाई तुम पहली बात तो ये बताओ, तुम अय्याशी कह किसको रहे हो? और अगर मैं जहां तक समझती हूँ तुम्हारी अय्याशी की डेफिनेशन क्या है, तो वो अय्याशी तो तुम मरने के बाद भी करोगे। तुम्हें मौलवी इसी बात की तो गारंटी देता है कि नमाज पढ़ो अय्याशी करने को मिलेगी जन्नत में, तो फिर क्या तकलीफ है? तो जो है भाई, जो चीजें इस्लाम में यहाँ हराम कर रखी है, जो कि फिर भी होती हैं, जो चीजें यहाँ हराम कर रखी हैं, वो सब चीजें जन्नत में आपको मिलेंगी। औरतें भी मिलेंगी, शराब भी मिलेंगी, दिन रात सेक्स करिए अनलिमिटेड, और जो है जो चीजें यहाँ हराम है वहां सब हलाल है। तो ये समझ में नहीं आता है कि किस बेस पे यहाँ हराम है और किस बेस पे वहां हलाल है। और दूसरी बात ये कि इतना कुछ करने की बात भी, जो जो इस्लाम में मुझे मुझे एक चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी अपने जो है शादी से पहले भी मैंने उन चीजों को देखा, शादी के बाद भी देखा। हमारे कई जगह रिश्तेदारी में या अड़ोस पड़ोस में किसी की तलाक हो जाती, तलाक ऐसी होती थी कि औरत घर गई अपने मायके, और आदमी नाराज हो गया कि तू जल्दी क्यों नहीं आई, आज आने को कहा था आज क्यों नहीं आई। भाई किसी वजह से नहीं आ पाई, ले भाई तलाक तलाक तलाक, बेचारी ससुराल वापस ही नहीं आ पाई, हो गई तलाक। मतलब सेकंडों में औरत जो है घर की दहलीज से बाहर हो जाती है, उसके बच्चे भी छीन लिए जाते हैं। ऐसी भी तलाकें देखी कि भाई नमक ज्यादा हो गया, मिर्चे ज्यादा पड़ गई, ले भाई तलाक तलाक तलाक, हो गई गुस्से में तलाक। और औरतें भी महान कि 3 बार उन्होंने कहा और हो भी गई, वो घर भी बैठ जाती हैं, फिर सारी उम्र उनका सत्यानाश होता है,
मैके में वैसे नहीं जगह मिलती है। फिर भाभी भाइयों की एक सामाजिक जो जिस तरह का समाज है हमारा, उसमें क्या होता है कि तलाकशुदा औरत का मैके में निभा बड़ा कम होता है, तो उसकी जिंदगी सेकंडों में खराब कर दी जाती है, सेकंडों में। सिर्फ एक जो राइट मिल गया है आदमी को तलाक का, कि दूसरी बात, अगर कोई औरत अपने मर्द से, अपने शौहर से परेशान है, वो शराबी है, जुआरी है, मारता है, पीटता है, आपको खर्चा भी नहीं देता है, लेकिन आप उससे तलाक नहीं ले सकती, आपको कोई राइट नहीं बनता है। और आप खुला ले सकती है, बड़े फख्र से बताते हैं खुला ले सकती है, लेकिन खुला भी वो उसकी मर्जी है, देगा या नहीं देगा, ये भी बात है। तो औरतों की जो स्थिति मैंने इस्लाम में देखी, जिसको ये लोग कहते हैं कि औरतों को सबसे ज्यादा हक दिया इस्लाम में, और मैंने सबसे ज्यादा बुरी स्थिति औरतों की इस्लाम में देखी। उनको जो है, अब तो थोड़ा सा सरकार के कहने, सरकार के दबाव से या थोड़ी सी अवेयरनेस की वजह से पढ़ाने लग गए हैं स्कूलों में, वरना इस्लाम में, मुसलमानों में पढ़े लिखी लड़की का मतलब होता है कि हाँ जी कुरान और हदीस पढ़ी है। जब शादी होती है तो ये बताया जाता है, हाँ जी लड़की तो बड़ी पढ़ी है। क्या पढ़ी है उनका मतलब 10th 12th या ग्रेजुएशन से नहीं होता है, हदीस और कुरान पढ़ी है, इसका मतलब वो पढ़ी है, बस इतना काफी है। अब उसके बाद उसको स्कूलिंग नहीं, स्कूलिंग कराई, उसको पढ़ने नहीं दिया गया, बाद में उसके ससुराल में उसके साथ क्या होता है, हस्बैंड तलाक दे दे, या हस्बैंड के ना रहने पे मर जाए, या कोई भी वजह हो जाए, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करे। ठीक है, और जो है बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें देखी जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, स्पेशली शादी ब्याह में। दूसरी बात, ये एक बात कहते हैं, मैंने बहुतों को ये बात कहते सुना, बड़े बड़े आलिम लोगों को, कि इस्लाम जो है दीने फितरत है। दीने फितरत यानी कि जो इंसान की फितरत होती है, जन्म के साथ जो चीजें होती हैं उसके बेस पे बना हुआ दीन है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि औरत की फितरत तो ये है कि औरत कभी दूसरे आदमी को बर्दाश्त, दूसरी औरत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो चार शादियों का जो ऑप्शन दिया है, किस हिसाब से दिया है, क्या सोच के दिया है, क्या बनाने वाले ने ये बात नहीं सोची कि अगर एक औरत पे दूसरी औरत, दो दूसरी पे तीसरी, और तीसरी पे चौथी आ जाए, तो किस कदर दिल दुखेगा किसी एक औरत का, एक बीवी का, कि जो है बिल्कुल नेचुरल सी बात है, कभी भी नहीं औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो है। इसमें असल में एक जन की जो फितरत है उसको पूरा हाँ किया गया है, दूसरे की फितरत को खुटे लाइन लगाया। हाँ 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 कहते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल मर्द की फितरत है कि वो दे वांट टू गो फॉर मल्टीपल पार्टनर्स, तो उनकी उनकी फितरत को तो पूरा कर दिया, लेकिन जो औरत की फितरत है कि दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट मल्टीपल, उनका जो एक पार्टनर है उसके मल्टीपल पार्टनर हो, वो एक औरत बर्दाश्त नहीं करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो औरत की फितरत को मार दिया है। यहाँ भी मर्दों का फायदा। हाँ, और अगर अगर ये कहते हैं कि वो उस टाइम पे इसलिए, क्योंकि इनके आर्ग्यूमेंट्स, मतलब इनकी ये पॉइंट ढूंढ लाते हैं कि उसका जो है डिफेंड ढूंढ लाते हैं कि इसलिए कहा था, इसलिए बनाया था ये कानून, कि उस टाइम पे जो है जंगे होती थी, मर्द शहीद हो जाते थे, उनकी औरतों को कौन कौन सा मालता। चलो इस बात को अगर एक्सेप्ट कर भी लिया जाए, तो ये बात तो होना चाहिए था कि ये हदीस, ये बात, ये कानून सिर्फ उस वक्त के लिए था, अब फ्यूचर में ये चीज नहीं होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। सऊदी में आज भी चार शादी होती है, तीन तो बड़ी आम शादियां हैं वहां पे, और इंडिया में भी दो शादी देखी है, बहुत देखी है मैंने। तो जो है ये बहाना बनाना कि जो है उस टाइम जंगों के टाइम पे ये लॉ आया था, तो उसी टाइम खत्म कर देना चाहिए था ना, या बाद में ये, अब वो है कि शरीयत में बदलाव भी नहीं हो सकता है, उसको डिफेंड भी करना है, उसका बचाव भी करना है, और अपना अपनी बात मनवानी भी है, और शरीयत की आड़ में जो है, अब मैं भी वही कहूंगी, अय्याशी करते हो शरीयत की आड़ में, तुम अय्याशी भी करोगे चार चार औरतें रखकर। शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि तो निकाह तुमने कर लिया चार औरतों से तो तुम अय्याश नहीं कहलाओगे। क्यों किए चार, शादी का मकसद ही क्या है? अय्याशी तो है, एक साथ रखने का क्या मकसद है? वो समझ में आता है किसी की बीवी मर गई, किसी की डिवोर्स हो गई, वो समझ में आता है, लेकिन एक साथ चार या तीन औरतें रखने का मकसद अय्याशी तो है, निकाह करने से वो बात थोड़ी बदल जाएगी। नहीं वैसी, लेकिन शर्त भी नहीं है ना कि आप जो दूसरी तीसरी करोगे वो डिवोर्सी होना चाहिए या विधवा होना चाहिए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप कुंवारी से भी कर सकते हैं, बल्कि आप बच्ची से भी कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बच्ची से भी कर सकते हैं, वैसी कोई शर्त भी नहीं है। चलो वैसी शर्त होती तो थोड़ा बहुत समझ में आता,
ऐसी कोई शर्त नहीं है, अच्छा आप खुले हो। अब कुछ सालों से जब तर्जुमे हदीस हदीस पढ़नी शुरू करी, कुछ तर्जुमे पढ़ने शुरू किए, तो वहां पे वो निकल आया कि प्रॉफिट साहब ने जो है, प्रॉफिट साहब ने जो है 6 साल निकाह किया, 9 साल में रुखसती हुई और उनके साथ जो है मुबाशियत, उर्दू थोड़ी बोल नहीं पाती हुई, जो भी इंटरकोर्स है बोल दीजिए। किया, इंटरकोर्स, हाँ, ठीक है वही जी। तो उस टाइम मैं शॉक्ड रह गई। तो ये सवाल मैंने जब किसी के सामने उठाया तो उन्होंने कहा कि उस वक्त अरब में यही चलन था। तो मैंने कहा कि फिर आप हजरत आयशा की जगह, हजरत आयशा के अलावा किसी और 6 साल की बच्ची की शादी का रेफरेंस दिखाओ मुझे, तो वो नहीं है इनके पास। दूसरी बात, अगर अगर वहां पे बच्चियों से, 9 साल की बच्ची से, 6 साल की बच्ची से शादी होती थी कभी के कभी, राजस्थान में भी हमारे होता था बाल विवाह, लेकिन वो जो दूल्हा लड़का होता था वो भी तो उसके कंपेयर में होता था। ये थोड़ी कि एक बच्ची है और एक बूढ़ा है, ऐसा तो नहीं होता था ना। तो उस चीज को भी जानते हैं, ये चीज अच्छी नहीं है और ये जो है कुप्रथा है, और जो किया वो सही चीज नहीं थी, लेकिन डिफेंड जरूर करना है उसको। मतलब इतनी भी ईमानदारी नहीं है कि चलो गलत को गलत कह सके और सही को सही कह सके, इतनी भी ईमानदारी नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस्लाम का, ये वाला कि गलत को एटलीस्ट, चलो आपको इस्लाम फॉलो करना है आप करो, लेकिन जो गलत चीज है उसको बोलो तो सही कि हाँ ये गलत है, हम इससे आगे बढ़ के उठ रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। जिस दिन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो इस्लाम फॉलो करते हैं, अगर ये उनके अंदर चीज आ गई, भाई मैं आप लोगों से वादा करता हूं मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। जिस दिन ये चीज मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम के अंदर आ गई कि हाँ ठीक है गलतियां थी, हमारे रसूलुल्लाह से भी गलत कारनामे हुए हैं, इस्लाम में बहुत सारी बातें गलत है जो आज के तारीख में वैलिड नहीं है, हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम ठीक है हम नमाज पढ़ेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, अपने इस्लाम में चेंजेस लाएंगे। जिस दिन ये वाली बात आ गई मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम में, मेरा वादा है मैं चैनल बंद कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि गलत को ये लोग गलत बोलते नहीं है ना मानते हैं। जी नसीहत जी, प्लीज गो अहेड। अच्छा, ये जो 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 सनातन में कुप्रथाएं रही वो इन लोगों ने एक्सेप्ट करी, उसको रिफॉर्म किया, मानते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, गलत को गलत भी कहते हैं। इस्लाम में रिफॉर्म कैसे आएगा? नहीं आ सकता है कभी भी। जब आप बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तब तक इलाज तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इस्लाम में रिफॉर्म आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि बीमारी को बीमारी नहीं आप कह रहे हो तो इलाज भी नहीं हो सकता है। गलत को आप गलत मानने को तैयार ही नहीं हो, उसको शुगर कोटिंग करके बढ़िया सा पॉलिश करके दूसरों के सामने पेश कर रहे हो, और अंदर चाहे वो पॉटी हो अंदर की बात, लेकिन उसको आप जो है शहद लगा के पेश कर रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो आज की डेट में जो है मैं कंप्लीटली जो है बाहर हो चुकी हूँ, और मेरे बच्चे भी जो है एक अच्छे इंसान है और कुछ नहीं है वो, और उन्हें भी अच्छा इंसान बनने के लिए किसी भी मजहब की जरूरत कभी पड़ी ही नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए उन्हें कुछ आयतें, कुछ सूरा, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, वो बहुत अच्छे इंसान है और देश का कानून मानते हैं, लॉ अबाइडिंग है, और जो हमें नहीं जरूरत है आज की डेट में किसी भी किताब की और किसी भी सो कॉल्ड अल्लाह की, किसी भी जो है कायनात के खालिक मालिक की किसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर है भी तो हमारे किस काम का, हमारे किस काम आ रहा है कोई बता दे, फिर है भी तो किस काम का, कोई काम नहीं रुक रहा है। मेरे परेशानी आती है तो इंसान अपना दिमाग चलाता है, हाथ पैर चलाता है, पैसों से, हाथ पैरों से, फिजिकली दिमाग से अपनी परेशानी हल कर लेता है, कहीं पे अल्लाह का दखल नहीं है। ठीक है, खुशी में, गम में, परेशानियां हल करने में, डेली रूटीन में, कहीं भी कहीं भी। और ऐसा बहुत हुआ है कि कई बार मैं बीमार पड़ जाती हूँ, या कभी एक आध बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, ऐसे भी हाल हो जाता है। तो लाइफ में कभी भी उस टाइम पर कोई दुआ कर दे मेरे लिए, मैं कहूँ किसी से, या मैं अपने दिल में ये कहूँ या अल्लाह मुझे बचा ले,
या ये मैं कहूँ या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। या कभी परेशानी आई है तो मैं कभी भी नमाज रोजा करने नहीं खड़ी हो गई, कभी लाइफ में नहीं कि भाई अब तू ही मेरा सहारा है, कभी भी नहीं। मुझे सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं जो इस तरह के बात करते हैं कि वही सहारा है, जो करेगा वही करेगा, उसके सिवा कोई नहीं। सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जो करना है हमें करना है, चाहे हाथ पैरों से करना है हमें करना है, हमारे घर वालों को करना है, कोई दोस्त अहबाब आपके काम आता है तो ठीक है, वरना और किसी भी ईश्वरीय शक्ति का कोई दखल नहीं है हमारे कामों में, कोई जरूरत नहीं है। जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से नसीहत जी आपने अपनी बात रखी, मज़ा आ गया एकदम सुन के। अभी यानी फिर आपकी अभी कुरान के बारे में या रसूलुल्लाह के बारे में आपका आपकी क्या सोच है अभी? अब कुरान के लिए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ठीक है अपने टाइम में पढ़ लिया पढ़ लिया, वरना कुरान ऐसी कोई अपीलिंग किताब नहीं, अपीलिंग बुक नहीं है कि जिसे बार अच्छा बार पढ़ा जाए, इतनी इंटरेस्टिंग बुक नहीं है कि जिसे बार बार पढ़ा जाए, ना कोई ऐसी हिदाया है जो कि उसको पहले से जो बातें नहीं इंसान जानता है कि उस हिदाया के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। उसमें चंद घटनाएं, किसी के अरब अरब के बद्दुओं की कुछ घटनाएं हैं, कुछ बेसिर पैर की बातें हैं, कहीं से शुरू होता है जाने कहाँ जाके खत्म होता है, नेक्स्ट पता नहीं क्या शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है मुझे कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, ऐसा वाला लगता है। तो आप बार बार पढ़ने की बात कर रही है, मोमिन हजरत तो एक भी बार नहीं पढ़े होते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत जो है, मेरे ख्याल से हाँ 90% मुसलमानों ने आज तक पूरी कुरान कभी माने के साथ पढ़ी नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल नहीं तो पढ़ी एक होगी, बार बिल्कुल पढ़ने भी के नहीं। लिए तो बार बार कहाँ से पढ़ेगा। मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बोरिंग किताब, इससे एम्बिगुअस किताब दुनिया में कोई नहीं होगी। बिल्कुल। और जो है अच्छा, सब कुछ जानते हुए जिसने नहीं भी पढ़ी होती है वो आपसे कहते हैं कुरान रोज पढ़ना चाहिए, एक पारा ना पढ़ पाओ तो एक रुकू पढ़ो, एक पैरा तो सिर्फ पढ़ो, अरबी एक पढ़ने की पैरा। बात करते हैं ना, वो हाँ, भी अरबी ही माने के साथ पढ़ने कहाँ की। पढ़ते हैं। अब ये बताइए, जो जबान हम जानते ही नहीं है उसको सारी उम्र दोहराने से क्या फायदा है, क्या हासिल वसूल है, क्या हासिल वसूल है? कुछ भी नहीं, टाइम वेस्टिंग है। और जहां तक प्रॉफिट साहब की बात है, अपने टाइम में वो जो भी कर गए और जो है क्या कर गए, ये एग्जैक्टली किसी को ये भी नहीं पता है, क्योंकि हदीसें भी उनके बहुत साल बाद लिखी गई, उनके सामने तो कुरान कंपाइल भी नहीं था। कितनी मिक्सिंग हुई होगी कोई नहीं जानता, खुद हुजूर नहीं जानते होंगे आज की डेट में। खुद प्रॉफिट अब उतर के कहेंगे भाई कुरान ये नहीं थी, ये नहीं थी, मारेंगे ये लोग। तो जो है अब जो है अच्छा, मैं नोटिस करती हूँ कि कुरान में अल्लाह अल्लाह गवाही दे रहा है हुजूर की, प्रॉफिट साहब की, प्रॉफिट गवाही दे रहे हैं अल्लाह की, बस दो ही लोगों की बात चल रही है, इसकी गवाही वो दे रहे हैं, उसकी गवाही वो दे रहे हैं, और तीसरा कोई नहीं है वहां पर। सर्कल में घूम रहा बस अल्लाह है ये इसमें किसने किताब में बताया? लिखा है अल्लाह है, हाँ मैं कह रहा हूं कि मौत का कुआं अल्लाह है टाइप ये का है, किसने बताया? रसूल ने मौत बताया। और ये रसूल है किसने का। बताया? अल्लाह ने बताया। ये किसने बताया? रसूल ने बताया। अच्छा ये किसने बताया? रसूल को अल्लाह ने बताया। तो ये सर्कल में ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। हाँ, ये बिल्कुल मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाली बात है, गोल गोल घूमते रहे, घूमते हो वहीं आ जाओगे फिर वापसी। तीसरा कोई उसका गवाह नहीं है, कोई शहादा नहीं है। तो जो है ये सब देखने के बाद तो मुझे कंप्लीटली अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो है सारी बोकस कहानियां हैं, सिर्फ ताकत बनाए रखने के लिए, एक झुंड को तैयार रखने के लिए ही मजहब थोपा जाता है, अपने गिनती बढ़ाने के लिए। क्वांटिटी बढ़ाते रहो, क्वालिटी का कुछ नहीं पता, क्वालिटी हाय से हाय कोई हाय, मतलब नहीं है। हाँ, तो मैं कहती हूँ क्वांटिटी में तो बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं, इंसानों से भी ज्यादा संख्या बैक्टीरिया की होती है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं, तो ऐसी संख्या का क्या फायदा जो बीमारी फैलाए। तो
मैं समझती हूँ ये कि जो आर्गुमेंट बहुत है देते हैं ना मोमिन हजरत, इस्लाम तेजी से फैल रहा है, तेजी से फैल रहा है। तो इस्लाम तेजी से, बैक्टीरिया भी तेजी से ही फैलते हैं, ये है, कैंसर भी तेजी से फैलता है, वायरस भी तेजी से फैलते हैं, और जो है दूसरी बात, तेजी से फैल रहे हैं तो भाई काम ही क्या है, नल्ला पाया खाओ, इंटर कोर्स करो, बच्चे हो गए, तेजी से फैलेगा। नल्ला पाया खाओ, काम बजाओ, आबादी बढ़ाओ, तो तेजी से ही फैलेगा। ये जबरदस्त था। ये बोले तो कि जो है अगर कि इतने कन्वर्ट होते हैं, अरे भाई वो भी तो आज की डेट में दिखा दो कितने छोड़ रहे हैं, उसकी भी तो गिनती कर लो ना। अब एक बयार आई हुई है, एक जो है लोगों का दिमाग खुल रहा है, सोचने समझने लग गए हैं। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा, जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन वो ठीक है, थोड़ा डर है उनके अंदर, समाज का, अपने घर का, घर से निकाल दिए जाएंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे, लेकिन सोचने की सलाहियत आने लगी है, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है, सवाल उठने लगे हैं, तो जितना सवाल उठ रहे हैं उतना ही बौखला रहे हैं, तो देख लो क्या क्या, एक ना एक फ्रस्ट्रेशन सा आ गया है मोमिन कम्युनिटी में, वो चाहे आपको स्वीडन में दिखेगा, चाहे फ्रांस की घटना का दिखेगा। फ्रांस की घटना कह सकते हैं कि ठीक है, वो जो लड़का मारा गया वो अपने उसके वजूहात हैं, वो सरकार और वहां की जुडिशरी देखती, लेकिन इसके बेस पे लाइब्रेरी जला देना, मकान जला देना, दुकानें जला देना, लूटपाट करना, ये तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। तो आप गए हो वहां रेफ्यूजी के तौर पे, आप अच्छी जिंदगी, उस वहां की चमक धमक से इंस्पायर्ड होकर आप वहां रहने गए हो, वहां की लाइफ स्टाइल में जीने गए, फिर वहीं जाके आपके जब जैसी संख्या बढ़ी, आपके दिल में धीरे धीरे शरीयत का कीड़ा कुल बुलाने लग गया, फिर आप बहाने ढूंढने लग गए, किसी ना किसी बहाने, आप हिजाब के बहाने, कुरान के बहाने, लड़का ये कर दिया मुसलमान बच्चे को, इस बहाने, कोई भी बहाना निकाल के वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। चाहे आप इंग्लैंड में देख लीजिए, यूके में भी यही हाल है, पाकिस्तान, एक दौर था कि पाकिस्तान में कोई स्कीम निकली थी कि यूके में बसने के लिए कोई स्कीम, वीजा वगैरह निकाला था, तो वहां बहुत सारे पाकिस्तानी उस टाइम पर यूके चले गए, आप लोग जानते होंगे जब निकालेंगे इसको, तो वहां जाके जब इनकी, जब अब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इन्होंने अपनी वही जो डीएनए में घुसा हुआ है पागलपना, मानसिक दिवालियापन, वो शुरू कर दिया, हिजाब पहने, वहां की गोल लड़कियों को हिजाब पहनाने डीएनए लग में गए थे, घुसा एक हुआ है, वीडियो मतलब में थे जी। डीएनए में घुसा हुआ है पागलपना। हाँ, दिवालियापन ना, मानसिक अपंगता डीएनए में है, अपंगता पैरों की नहीं होती है, वो दिमाग की होती है, और दिमागी जो, और ऐसी अपंगता है कि जो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो समझ लो कि वो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। अब वो आने वाले वक्त में देखो क्या होता है इंग्लैंड का या फ्रांस का या स्वीडन का या और यूरोपियन कंट्रीज का, क्योंकि ये तो तय बात होती है, जहां पे जनसंख्या बढ़ी थोड़ी सी वहीं ये लोग रंग दिखाने लग जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां जनसंख्या बढ़ी, एक तो जनसंख्या बढ़ती है इनकी, तो ऐसा नहीं है जैसे अभी देखो पारसी लोग, पारसी लोग जब आए, और आप देखो वो कम्युनिटी कितनी एडवांस है, पढ़े लिखे होते हैं, वेल सेटल होते हैं, ऐसा नहीं कि ये जनसंख्या इनकी बढ़ती है हमारे मोमिन हजरात की, तो एक कुछ यानी देश की तरक्की या दुनिया की तरक्की के लिए कुछ योगदान होगा इनका। जनसंख्या जो बढ़ती है इनकी, अक्सरियत आप देखिए वो तो आपको पढ़े लिखे नहीं होंगे, और जहाँ पे ज्यादा हो गए उस एरिया का माहौल खराब, वहां पे चोरी चकारी आपको मिलेगी, चरसी गर्दुल्ले आपको मिलेंगे उधर। यानी ऐसा भी नहीं है कि चलो आबादी बढ़ रही है तो कुछ देश को कुछ अच्छा दे रहे हैं लोग। जी भाई, जिसने जिसका जो है आइडियोलॉजी ही ये कहती हो कि असली जिंदगी तो मौत के बाद, मरने के बाद शुरू होगी, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, तो वो मुसाफिर खाने का क्या क्या हाल करेंगे आप जानते हो, मुसाफिर कैसे रहते हैं, मुसाफिर समझते ही नहीं, जिस जगह ठहरते हैं मुसाफिर
जब इन्होंने दुनिया का मुसाफिर खाना कह ही दिया, अपने खुद ये कहते हैं, कोई किसी और की कही सुनी बात नहीं, तो ये दुनिया को मुसाफिर खाने की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये गंद वो गंद, ये मारा पीटी, और कोई जो है कोई भी अच्छा काम नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई जो है ऐसा काम नहीं जिससे किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले, कुछ भी नहीं। कितने साइंटिस्ट निकलते हैं मुस्लिम में से, सोचिए जरा, गिन लीजिए, उंगलियों पे भी नहीं गिन पाओगे आप, इतने कम होते हैं। और जो और निकलते भी है अगर वो तो काफिरों की स्टडी से निकलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी साइंटिस्ट का ये हवाला देते भी हैं तो उनसे पूछो क्या वो जमात में जाके साइंटिस्ट बने हैं, 40 दिन के चिल्ले से बने हैं? तो जो है देते हैं, बहुत से साइंटिस्टों का हवाला देते हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो हवाला देते हैं, तो अरे भाई वो फिजिक्स पढ़ के, साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बने हैं, उन्होंने चिल्ला लगा के या जो जमात में जाके नमाज पढ़ के मुसल्ले पे थोड़ी साइंटिस्ट बने हैं। उनका रूटीन, उनका उनकी उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, वो कैसे अपनी लाइफ बिताते थे, क्या करते थे वो, उनका क्या रूटीन था। और जो मैंने देखे हैं, जो डॉक्टर MBBS पढ़े हैं, जिन्होंने पूरा इवोल्यूशन पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ी होगी, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी होगी, जिन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, पता लगा वो जो है वो भी यही कह रहा है कि पहला इंसान तो आदम हव्वा ही थे, हजरत आदम थे पहले पैगंबर, पहले इंसान और हव्वा। बताओ जरा, एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर ये बात कह रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि जो है पर्चा, एक हाथ से पर्चा लिखते रहते हैं, दूसरे हाथ से तस्बीह चलाते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर मैंने देखे, तस्बीह एक हाथ में पढ़ते रहते हैं, दूसरे हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मरीज का सर नीचे करके और उसके उसके सर पे हाथ रख के फूंक रहे हैं। भला बताओ जरा, पूरी डिग्री का सत्यानाश गोबर लेप दिया। ये अक्सर तबलीगी डॉक्टर्स जो होते हैं ये इस तरीके की हरकत करते हैं वो लोग। इंजीनियर पूछते हैं कि इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर लिया, रॉकेट साइंस पढ़ ली चाहे किसी ने, वो कह रहे हैं आखिर किसी ने तो दुनिया बनाई है, कोई तो है जिसने दुनिया बनाई है। मैं कहा रॉकेट साइंस पढ़ के भी तुम्हें समझ में नहीं आई? सोचो जरा, ये हाल है पढ़ने लिखने के बाद। तो अब सोचो DNA कितना ज्यादा वैसा हो चुका है, क्या कहना चाहिए, अपंग, अपंग टाइप का, हाँ म्यूटिलेट हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन हो गया है, डिस्ट्रक्टिव म्यूटेशन हुआ है, डिस्ट्रक्टिव वाला म्यूटेशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ है। तो इसका क्या इलाज आपको लगता है कि ये तो, यानी क्या नसीहत, आपका नाम भी नसीहत है, तो आप मोमिन और मोमिनाओं को क्या नसीहत देना चाहेंगी आप? मैं तो भाई यही नसीहत देना चाहूंगी कि जो है एजुकेशन की तरफ आओ, एजुकेट हो, और जो है कुरान अगर पढ़ना भी है तुम्हें तो खुले दिल से पढ़ो, बायस जो के मत पढ़ो, कि जो है धर्म भक्ति के भाव से मत पढ़ो, उसमें अगर कुछ कमी है, कुछ गलतियां हैं तो उसे भी एक्सेप्ट करो, और मानने वाली बात मानो और ना मानने वाली बात को तुम ये एक्सेप्ट करो कि जो ये चीज गलत लिखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आज की जो है सिविलाइजेशन, जो आज का जो है इंसान है, आज का जो समाज है, बहुत सभ्य समाज है, सिविलाइज समाज है, आज के समाज में तो आज नहीं ऐसा होना चाहिए जिस तरह की बात है उसमें, लौंडिया की खरीदारी, लौंडिया रखना, सेक्स स्लेव बनाना, जंगे, लूटपाट, कम से कम इन बातों पर तो एतराज जताओ, कम से कम इन बातों पर एतराज जताओ। दूसरी बात एजुकेट हो। तीसरी बात जो है अपनी लड़ाई, तो अगर अगर बहुत से मुस्लिम गर्ल्स हैं जो चाहती हैं कि हम जो है एक अच्छी लाइफ बिताएं, अच्छी जिंदगी बनाएं, अच्छी जिंदगी से मतलब कि हमें कम से कम अपनी बात कहने सुनने की आजादी हो। अब पता लगा घर से निकलने के लिए भी जो है घर से जाने के लिए भी बाप भाई से पूछना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है बाप भाई जाने भी, एक तो पहली बात इतनी आसानी से निकलने देते, पढ़ने लिखने की भी जो है बहुत ही ज्यादा पाबंदियां पहले हुआ करती थी, उसके बाद निकलो तो काला चौगा पहन के पूरा चमकादड़ बन के निकलो, जो ना भी देखता हो वो भी देखने लग जाए। एक एक नॉर्मल सी लड़की जा रही होती है सिंपली सलवार सूट दुपट्टे में, साड़ी में, उसे कोई इतना नहीं देखता है जितना दुपट्टे वालियों को, लोग बुरके वालियों को देखते हैं, क्योंकि तुमने ऐसा हुलिया ही बना लिया है। हमने देखा अपने बचपन में, हमारी नानी बुरका ओढ़ती थी,
वो बाहर के काम करती थी, आटा पिसाना या वो रेडीमेड कपड़ों का काम करती थी, तो बाजार से कपड़े लाके सिलना। वो सिंपली बुर्का ओढ़ती थी और मुंह खुला रहता था उनका। उसके बाद मैंने जब बड़ी हुई तो मैंने देखा लोग बुर्के की ऊपर वाला जो हिस्सा था उसकी जगह चादर ओढ़ लेने लग गए, चादर सी ओढ़ने लग गए ब्लैक ब्लैक कलर की। अब थोड़ी और बड़े हुए तो देखा कि लोग नोज पीस भी लगाने लग गए, मुंह के ऊपर ढाटा सा लगाने लग गए। अब जो देखा अब तो काले दस्ताने, काले जुराब, आंखें बस जरा हाँ सी हाँ खुली हुई, पूरी के कादन बन ये गई। मार नसीहत जी, ये मार्केट में अभी लेटेस्ट चल रहा है वो, अभी तक तो आपने जो पूरा वो बताया है उसके साथ साथ अभी वो हाथों में ग्लव्स व्लव्स भी नया चालू हुआ है अभी ये। और उसका रीजन ये है कि जब से लोग सऊदी जाने लगे, तबलीगे जमाते आने लग गई उस साइड से, सऊदी अरब से या जो गल्फ कंट्रीज से जो जमाते आती हैं वो, जिस या यहाँ के लोग वहां जाने लगे तबलीग करने, वहां से सीख कर आते, तो वो लोग जब आते हैं, मैंने अक्सर देखा है जो सऊदी वगैरह में नौकरी करते हैं, यहाँ से बेचारे अच्छे खासे जाते हैं, वहां से वो पागल होके लौटते हैं कि आके बीवी को अब तू ये भी जुराब भी पहन, दस्ताने भी पहन और काली पट्टी भी लगा, सिर्फ आंखें दिखेंगी बहुत ज्यादा। तो वो जितना उन्होंने कमाया नहीं होता उतना तो उनका दिमाग वहां पे अपंग बन गया होता है उस जगह पे रह के। अभी तो फिर भी सऊदी तो बहुत सुधर गया है, ये सारी हरकतें जो, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए आप। जी असल में सऊदी तो काफी चेंज होता जा रहा है दिन ब दिन, और वहां के जो अरब है वो तो दीन को सीरियसली लेते ही नहीं, वो तो अपना मस्त जो पैसे हैं उनके पास मजे मस्ती करते हैं। और पहले जब सऊदी में ये सारी अय्याशी की चीजें उनको नहीं मिलती थी तो वो कभी बाहरीन चले जाते या किधर दूसरी जगह चले जाते, लेकिन अब तो वहाँ पे भी काफ़ी MBS साहब ने चेंजेस लेके आया है, थिएटर्स खुले हैं और बहुत सारे चेंजेस लेके आए। तो ये गल्फ वाले जो है, पहले इनकी जो जाते थे यहाँ से तो वो थोड़ा वहाँ पे ये सलफी मौलाना इंडिया के वहाँ पे पूरी गंदगी फैला रहे थे वो लोग, अब तो सऊदी वाले अगर ये कुछ भी ज़्यादा करते तो सीधा उठा के जेल में ही बंद कर देते इनको, तो ये भी थोड़ा डरते हैं। अभी तबलीगी जमात को तो बिल्कुल बैन ही कर दिया उधर सऊदी गवर्नमेंट ने, तो ये तो उनकी एक अच्छी चीज है कि पूरा देश देश का सत्यानाश होने से पहले MBS साहब ने काफी कुछ चेंजेस लाया और इनके मंसूबों को पूरा होने नहीं दिया, नहीं तो ये तबलीगी जमात वहां भी काफी फैल रही थी, लेकिन उन्होंने सीधा बैन लगा दिया। तो खैर, ये जो हमारे वाले जो सस्ते अरब है इनके अंदर ये दस्ताने पहनना, तो और ये खास करके जो तबलीगी जमात वाले, और ये तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे, तो और वो लड़की भी जो पहनती है वो आधे से ज्यादा टाइम एक दिखावा होता है कि भाई देखो मैं कितना को पाबंद हूँ, कितना मैं अपने आप को छुपाती हूँ, तो एक वो दिखावा होता है वो सारी चीजें। अरे भाई तुम्हारे हाथ खुले हैं तो कौन सा तुम्हारे हाथ को देख के, जैसे रसूलुल्लाह किसी एक औरत को देख के एकदम क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड है यार, हाइपर एक्टिव हो गए थे और उसके बाद उनको जाना पड़ा जैनब के पास, हजरत जैनब के पास, हालांकि वो चमड़े को बुन रही थी। वैसे आम इंसान लोग जो है, अच्छे इंसान लोग जो है, वो किसी का सिर्फ हाथ देख के वो इतने चार्ज नहीं हो जाते कि आपको भी हाथ भी अपने छुपाने पड़ रहे, तो सब दिखावा बंद करो। और ये जबरदस्ती के नाटक है ये सब, हाथ छुपा लेना ग्लव से, तो आंखों को ऐसा करना, अजीब अजीब हरकतें जो तुम करते हो तो बड़ा अजीब लगता है लोगों को। और नसीहत जी ने बिल्कुल सही कहा, जो इंसान नहीं देखने वाला है वो भी देखने लग जाता है, मतलब ये क्या नमूना जा रहा है यहाँ से इस तरीके से। तो और इसमें भी वो अक्सर जो है वो जो बुरखा का पहनती है वो अक्सर लड़कियां जो बेचारी मजबूरी में पहनती है, घर वाले जो पीछे पड़ जाते हैं उनके, और एक स्टाइल फैशन होता है उनको, ऐसा लगता है कि भाई चलो मस्त आज की तारीख में एक से एक बुरखा आए हैं, वो कोट वाला बुरखा, और तो बड़ा भाई बुरके का बिजनेस आप देखो, अगर किसी को बिजनेस खोलना है मोमिन हजरात, अगर कमाई उमाई दूसरे बिजनेस में नहीं हो रही तो भाई बुरके का बिजनेस खोल लो, आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आपको मिलेगा इसमें। अलग अलग नए नए डिजाइन के जो है मार्केट में बुरकाए हैं और वो औरतें भी तड़प रही है, मुझे ऐसा वाला बुरका लेना है, मुझे वैसा वाला लेना है, इससे अच्छा लगना है, उससे अच्छा लगना है। तो ये बुरका भी अक्सरियत जो है वो एक फैशन स्टाइल बन गया है, क्योंकि आप अंदर कुछ भी कपड़े पहन लो, शादी में भी चले जाओ बुरखा उतारना नहीं है, बुरखा अच्छा रहे अंदर कुछ भी नॉर्मल घर का ड्रेस भी पहनो तो बच जाता है टाइम और ये सब। और इसमें से कई सारी लड़कियां बुरखा पहन के जाती हैं ऑफिस, और उसके बाद इधर मॉल में जाएंगी या फिर कॉलेज जाएंगी वहां बुरखा उतर जाता है उनका,
फिर वो वहां पे बिना बुरके के घूमती है। तो ये बहुत मिक्स चीजें है, ऐसा नहीं है कि ये इसको कोई इसका जो मकसद सो कॉल्ड मकसद बताया गया उसके लिए पहन रही है। बहुत मिक्स चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी लड़कियां अपने अपने हिसाब से इसको यूज कर रही है। जी नसीह जी, प्लीज गो अहेड। जी, और बुरका भी जो है, बुरका भी कोई, आपने सही बोला कि सिर्फ जिस्म छुपाने भर की चीज नहीं रह गया है, इतना ग्लैमरस बुरका होता है, इतना भड़कीला होता है। आप सोचो, मैंने फिश कट बुरके देखे हैं। फिश कट बुरका जो होता है, हिप्स पे टाइट होता है, फिश और फिश कट बुरका सोचिए, और पूरी वो मछली टाइप का इस पूरा शेप बन के आ रहा है उसका जो है। और जो ना देखता हो वो देखेगा, हम खुद देखने लग गए ये क्या चीज है। जब हम देखने लगे तो फिर जेंट्स क्यों ना देखेंगे। और उसमें जाली वाला, नेट वाला बुरखा, उसमें जो है सुराख, और उसमें सितारे, सलमा, जो ना देखता हो वो देखने लगे। मतलब अच्छा, अगर कुरान की भी बात करें तो कुरान में भी कहाँ बुरखा है, ऐसा बुरखा तो कहीं नहीं है कुरान में। कुरान में भी अगर इनकी ही कौन सी सूरा में कुरान बुरके का एक जिक्र इस तरह से है कि ए मोमिनाओं जो है, तुम अपनी छातियों को अपनी चादरों से ढक लो, और अपने अजो को खुले खुला मत रखो, कुछ ऐसा ही है। ऐसा बुरका नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम चमगादड़ बन जाओ। अब और अगर नया अगर फिश ये कट, फिश कट फर्स्ट टाइम सुना मैं, फिश कट बुरका। बुरका वो एकदम जलपरी सी लग रही थी, वो मोमिना का जलपरी तो जो है उसमें कुरान में बुरके का इतना जिक्र है कि जो है अपनी अपनी छातियों को ढक लो, छातियों पे चादर रख कर लो, ढीले कपड़े पहनो, अपनी शर्मगाहों को छुपा। तो उसके लिए मैं सिंपली जो सलवार सूट पहनती हूँ और दुपट्टा ओढ़ती हूँ, ये भी तो पर्दा ही है ना, ये कौन सा खुला है, ये भी तो पर्दा है। लेकिन यहाँ के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम जो है ना, वो उनको ज्यादा चुल मोमिना बुरके की रहती है। हाँ, उन मोमिनाओं को ज्यादा चुल रहती है बुरके की। और जो है आप आने वाले टाइम में देखना, सऊदी में ये भी चेंजेस आएंगे। अपने ही लाइफ में आप देखिएगा कि एक जमाना था कि सऊदी में औरतों का घर से नहीं निकलने दिया जाता था। आज के टाइम में मॉल्स में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में, दुकानों में, शॉप्स में औरतें काम कर रही हैं, फीमेल्स काम कर रही हैं। आप ये सोचो, जो गए हुए लोग हैं जिनके साथ वो औरतें काम कर रही हैं, उनका बताया हुआ कॉल है, ये नहीं कि किसी ने, मैं कहीं सुनी बात कर रही हूँ। तो एक जमाना ऐसा आएगा कि वहां तो सब लिबरलाइजेशन होता जाएगा और लोग सिविलाइज्ड होते जाएंगे, लेकिन एशियन जो इधर के हिंदुस्तान पाकिस्तान के अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम है, ये उतने ही ज्यादा बद्दू होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके जितनी तेजी से अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारी बातें जो लोगों तक फैल रही है, मैंने देखा है कि मोमिनाएं खास करके बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है। कहीं ना जी कहीं दिमाग चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोमिनाएं बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है। हाँ, ये हो सकता है। अभी कोई सर्वे या रिसर्च ऐसी देखी नहीं है मैंने, लेकिन हाँ ये है कि सोशल मीडिया पे ही हम देख रहे हैं, और अपने अपने जानने वालों को मैं जो देख रही हूँ, अपने कांटेक्ट में आए लोगों को देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भी, कि जो मोमिनाएं हैं वो काफी हद तक सोचने लग गई हैं और समझने लगी हैं। लेकिन वही है कि अभी भी एक डर है, एक तलवार लटकी रहती है फतवे की, कि पहले तो घर वाले ही मारेंगे पीटेंगे, फिर सोसाइटी वाले जो है बहिष्कार करेंगे, फिर कम्युनिटी जो है बहिष्कार करेगी। और फतवे का तो अलग ही एक डर होता है, तो इस वजह से कुछ डर अभी भी काफी है, डर तो अभी भी है काफी। असल में हमें जो है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। तभी जैसे जिस तरीके से पिछले बार दो एक्स मुस्लिमा आई थी, तो उनको भी इसी तरीके का प्रॉब्लम था। फिर मुझसे कुछ लोग जुड़े भी हैं जो जिनका यही प्रॉब्लम है कि भाई इस्लाम तो छोड़ दिया, लेकिन अब निकले कैसे इससे। तो एक पूरा पता नहीं है कब होगा, कैसे होगा ये। कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है उनको कुछ अलग प्रोविजन लाना चाहिए एक्स मुस्लिमों के लिए, ताकि उनके लिए जॉब्स हो, आसानी हो, ताकि ये आगे बढ़े कम्युनिटी। अभी तक कोई गवर्नमेंट ने आज तक एक्स मुस्लिम का नाम भी नहीं लिया, हालांकि इतना
न्यूज चैनल में आ जा रहे हैं, हम लोग सब जगह आ जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी बड़े पोस्ट पे जो भी है उन्होंने आज तक एक्स मुस्लिम करके वर्ड यूज ही नहीं। क्यों भाई, हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हमारे राइट्स नहीं है क्या? हमारी चाहते नहीं है क्या? हमें जीने का हक नहीं है क्या? तो जब ये कम्युनिटी उभर के आ रही है तो कुछ तो बोलो उनके बारे में कि हाँ ऐसे लोग भी है। मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब को ये पता नहीं होगा कि भाई ये एक्स मुस्लिम करके भी कुछ चीजें चल रही है। आई एम डेड श्योर ही शुड बी नोइंग अबाउट दिस। अमित शाह जी को भी पता होगा ये चीजें, लेकिन कोई लेने का नाम लेने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है भाई। गवर्नमेंट अगर ना, भाई हमें जरूरत है आप लोगों की। इसके लिए हमको खुद आगे बढ़कर सरकार के पास जाके एक देना पड़ेगा, क्या देते हैं जो भी उनको, कि एक ऐसी भी मुहिम है और इस मुहिम में ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो है प्रिंसिपल्स हैं, और हमको जो है सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, सोशली भी फाइनेंशियली भी। जब तक सब एक यूनाइट होके सरकार को नहीं बताएंगे, सरकार खुद से कभी भी जो है आपको नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और ये मुहिम, ये क्या कोई भी किसी भी दौर की कोई भी जो मुहिम या आंदोलन होता है, अगर उसको सरकार का सपोर्ट ना मिले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में हम लोगों को सरकार के सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों के साथ दुश्वारियां और परेशानियां आम लोगों से ज्यादा होती हैं। अपने ही घर में दुश्वारियां ज्यादा होती हैं, आप बाहर तो बाद में जाओगे, अपने ही घर में बहुत ज्यादा दुश्वारियां होती हैं। तो एक्स मुस्लिम्स को जो भी पॉसिबल हो सके सरकार को सेफ्टी सिक्योरिटी जॉब वगैरह प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हमारा भी वोट है इस लोकतंत्र के लिए, हम वोटिंग भी करते हैं, तो जो है हमारे हमको भी बुनियादी हक मिलने चाहिए जैसे आस्था वाले। मतलब मैं ये समझती हूँ जब काल्पनिक चीजों के लिए और गलत फहमी पैदा करने वाली चीजें, मजहब को या मैं धर्म को इस तरह से लेती हूँ, गलत फहमी पैदा करने वाली जो वो एक ग्रुप, तो गलत फहमी पैदा करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं उसके लिए आप इतनी चीजें प्रोवाइड करते हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो अगर हम मिसलीड करने वाले वो लोग होते हैं, तो एक हम जो एक सच्ची मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, तो हमारा आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम लोगों को प्रोटेक्शन दे, सेफ्टी दे, हमको हर तरह से जो है सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आई एम श्योर कि आगे कुछ ना कुछ, या फिर जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता बड़ा कोई एक्स मुस्लिम के साथ, तब तक गवर्नमेंट जागेगी या नहीं जागेगी पता नहीं। वो एक रास्ता ही होता है ना, कुछ किसी का कुछ हो जाता है फिर वो खबर बहुत ज्यादा फैल जाती है, वायरल हो जाती है, तब जाके फिर गवर्नमेंट की आंखों तक पहुंचती है। आई डोंट नो कि उसके बाद होगा या क्या होगा, बट लेट्स वेट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक सवाल आपके लिए ये भी था कि यूसीसी के बारे में आपकी क्या राय है? जी, यूसीसी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, कानून एक, फायदे अनेक, इन शॉर्ट फायदे सिर्फ जो है मुस्लिम के लिए ही नहीं है, ये समझिए फायदे या नुकसान। अगर अगर मुसलमान समझ रहे हैं कि ये इससे नुकसान होगा, नुकसान मुस्लिम का नहीं होगा, पर्सनल लॉ का होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो आका हैं, जो वहाँ चौधराहट उनकी कायम है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में, जो वो जो है अपनी मनमानी करते हैं, तो यूसीसी आने के बाद जो है एक देश होगा, एक कानून होगा, सबके लिए होगा वो, तो ये थोड़ी कि मुस्लिम के लिए कोई अलग से चीज होगी। जो चीजें अगर हिंदू में भी किसी वजह से किसी इंसान के हक मारे जाएंगे, तो यूसीसी के तहत जो है वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, सबको एक जैसा फायदा होगा, हिंदू में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, कहीं पे कोई एक सबसे पिछड़ा हुआ इंसान भी अगर किसी अपने हक से वंचित रह जा रहा है, तो यूसीसी आने के बाद जो है उस सबको समान अधिकार मिलेगा। बात सिर्फ मुस्लिम की नहीं है, नुकसान का तो खैर कोई है ही नहीं मसला यहाँ पे। कोई भाई यूसीसी के तहत ये तो कहा नहीं गया है कि तुम शादियां कोर्ट मैरिज करो, उसमें ये बोला गया है, भले से भी आया नहीं है ड्राफ्ट, लेकिन एक जो बात चल रही है चर्चा,
कि शादी जो है आप अपने हिसाब से करो, अपने मजहब के हिसाब से करो, उसमें कोई नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तलाक का प्रोसीजर एक ही होगा। यहाँ पता लग रहा है तलाक कोई किसी तरीके से दे रहा है, कोई किसी तरीके से दे रहा है, कोई किसी तरीके से। प्लस जो आप शादी कर रहे हो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। अगर ये बोलते हैं कि हलाला नहीं होता है, चलो हम ये मान लेते हैं, इनकी बात मान लेते हैं, जबकि ऐसा ऐसा है नहीं, हलाला होता है। लेकिन ये लोग जानते हैं कि हलाला इतनी इतनी खराब प्रैक्टिस है कि ये इसको खुलेआम नहीं कर सकते हैं, उस बात को छुपाते हैं वो। हलाला का रिपोर्ट ही कितना होता है, कितनी रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड में आता है, कोई बताता तो है नहीं। तो लेकिन हलाला प्रैक्टिस में अगर आप कह रहे हो नहीं है, मान लिया, लेकिन हलाला की गुंजाइश तो है। उसने हदीस ने या कुरान ने या शरीयत ने दे तो रखी है, हलाला की आपको एक गुंजाइश दे रखी है। यानी कि हलाला के जरिए किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होने के चांस हैं, अगर शरीयत में वो लिखा है। तो यूसीसी आने के बाद वो चीज भी खत्म, सबको एजुकेशन का हक, सबको। दूसरी बात, जो आज की डेट में लड़कियों का, लड़कों का दो हिस्सा होता है प्रॉपर्टी में और लड़कियों का एक हिस्सा होता है, तो चाहे हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख, कोई भी कम्युनिटी होगी, सब में बराबर, लड़का लड़की का सबका हक बराबर होगा। तो इसमें कौन सी परेशानी है, किसको परेशानी है, परेशानी किन लोगों को है, आप सोचिए जरा। बेवजह का तूल वो है, तूल देना हर मुद्दे पे, सरकार कोई सी भी हो, सरकार कुछ भी लाए, चाहे ट्रिपल तलाक का कानून लाए तो भी उधम मचाया, हुड़दंग मचाया, क्या हुआ, लागू हुआ। और इसी तरह यूसीसी पे आप कितनी डिबेट कर लो, कितना हुड़दंग मचा लो, ये आना है और आएगा, और आना भी चाहिए। मैं समझती हूँ आना भी चाहिए, उससे जो है सभी को जो है एक जैसा अधिकार, एक कानून, एक देश, एक सबको अधिकार मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, और किसी को भी अगर नसीहत जी से सवाल करना है तो वो सुपर चैट के जरिए से अपना सवाल रख सकता है। फिर उसके बाद हम कॉलर्स की तरफ भी बढ़ेंगे। विशाल बिलगाइया जी कह रहे हैं, साहिल भाई FB पे पेपर कटिंग पड़ी अभी के, अगर काबा में नमाज पढ़ना बंद बंद करे तो अर्थ घूमना बंद हो जाएगी। आपको पेपर कटिंग भेजना है, कैसे भेजूं? बिग फैन ऑफ यू साहिल भाई, थैंक यू यार, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो ये तो कोरोना के वक्त तो नमाज वहां बंद ही हो गई थी भाई, तो जमीन घूमना कैसे बंद नहीं हुई। और दूसरी बात, जो बरेलवी हजरात है जिनके बानी समझ लीजिए अहमद रजा खान बरेलवी साहब, तो इनके नजदीक तो जमीन वैसे भी साकिन है, स्टैटिक। वो वीडियो आपने नहीं देखा था, बच्चे लोग बोलते हैं हम तो साइंस में पढ़े थे कि अर्थ जो है वो घूमती है। तो मौलाना कहते हैं कि बेटा ये जो साइंस है, ये जो साइंस की थियोरी है, ये गलत है। जमीन घूमती नहीं है, जमीन साकिन है, स्टैटिक है। और बोलते हैं फजीले वो क्या, फजीलते बरेलवियत, हमारे अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने बाकायदा किताब लिखी है जिसमें उन्होंने साबित किया है कि धरती जो है वो साकिन है, स्टैटिक है। तो इनके नजदीक जो है वो तो ऑलरेडी जमीन जो है नहीं घूमती है भाई। हाइडिंग फैक्ट्स एंशिएंट टाइम, साहिल भाई मक्का में शिवलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? सर कोई आइडिया नहीं मुझे, मक्का में बुत थे पहले, अब उसमें शिव जी का बुत या मूर्ति था, थी या नहीं थी, इस पे कोई भी वहां पे कोई आपको वो नहीं मिलेगा। द डेविल, क्योंकि वहां पे मोस्टली जो है वो लात मनात उज्जा हुबाल इस तरीके के नाम थे बुतों के, तो कोई भी यानी जो इस्लामिक सीरा है उसमें कहीं भी आपको शिव जी का कोई नाम नहीं मिलेगा उधर पे। आई डोंट नो, कोई अगर क्लेम करता है तो आप उनसे जाके दलील पूछिए कि किस दलील की बुनियाद पे उन्होंने ये चीज क्लेम की है। द डेविल भाई कह रहे हैं, अरे साहिल भाई आपको ये भी नहीं पता, बुरका इसलिए मोमो ने इंट्रो किया था ताकि सब पेंगुइन लगे, वहां बहुत गर्मी पड़ती थी और लोगों को पेंगुइन देख देख के अंटार्कटिका फील होता रहता था। हेलो, थैंक यू यार डेविल भाई। मनजिंदर सिंह कह रहे हैं, आपका व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट क्या है? आई हैव टू शेयर समथिंग। भाई इस पे अब मसला ये है मनजिंदर सिंह भाई, कि जिसको ऑलरेडी मालूम है वो मुझे मैसेज भेज भेज के भेज भेज के भेज भेज के लोग परेशान कर देते हैं। मैं अक्सर लोगों के मैसेज जो है 98% लोगों के मैं मैसेजेस नहीं पढ़ता हूँ, ना पढ़ पाता हूँ। वो जितने लोग भेजते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि रिप्लाई नहीं आता है मोस्टली। तो अगर आपको कोशिश करना है, हो सकता है मैं देख भी लूँ, स्क्रीन पे चल रहा है नंबर, आप उसमें से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू।
गंगाधरी शक्तिमान कह रहे फिश कट बुरका अल्ट्रा प्रो मैक्स मोमिन, थैंक यू, ये हमारी नसीहत जी का स्टेटमेंट था। अमित त्यागी कह रहे सर इस शहर अधिकतर गस्ती बुरका पहनती है, आप समझ लो। अमित त्यागी कह रहे हैं, अच्छा ये हमने ले लिया है, ओके। वेद किरण नायर, साहिल भाई मुस्लिम वुमेन आर मोर मैच्योर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग देन मुस्लिम मेन। यार वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की वो तो मोमिना है, वरना मैंने ऐसे भी मोमिनाएं देखा है जो बिल्कुल 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 पैदल होती है दिमाग से, और यहाँ पे तो आती रहती है, ये भी मानने के लिए रेडी हो जाती है कि हम आधी अकल वाली है। ऐसी मोमिनाएं भी आती है हमें, हमारा शौहर अगर और 3 शादी भी कर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी मोमिनाएं भी आती है। भार्गव जी कह रहे लव यू साहिल ब्रो, दुनिया में झगड़ा सिर्फ मेरा बिलीफ वर्सेस तेरा बिलीफ चल रहा है, बिलीफ सिस्टम का क्या इंसान को जरूरत है क्या? भाई देखिए बहुत से लोगों को जरूरत है, बहुत से लोगों को नहीं है, लेकिन अलग अलग बिलीफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो लड़ाइयां शुरू कर दे, फिर आपको पूरी दुनिया में अपना बिलीफ सिस्टम ही चलाना है, यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। और इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो अपना बिलीफ सिस्टम अपना कानून सारी दुनिया पे लाना चाहता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वरना अलग अलग बिलीफ होना इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। एवरीवन कैन हैव देयर ओन बिलीफ सिस्टम, देयर ओन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ यू नो फेथ, या फिर उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन दुनिया पे अपनी बिलीफ सिस्टम, अपने बिलीफ सिस्टम को थोपना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। स्पॉन जी कह रहे ग्लैड टू सी यू आर शोइंग पीपल द मिरर, थैंक यू। यार नसीहत जी के लिए कोई सवाल हो तो कर ले। ए जय आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। मार्स इनकमिंग कह रहे लुई विटॉन की बुर्का पहनती है मेरी वाली, भाई आप तो लुट जाएंगे फिर। सोल एंड शैडो भाई कह रहे इफ इस्लाम इज पीसफुल व्हाई डू पीपल हैव टू फ्री फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज एंड सीक रेफ्यूज इन वेस्टर्न कंट्रीज, व्हाई आर देयर रायट्स इन दोस कंट्रीज। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसी में आपका जवाब भी है। अगर पीसफुल होता तो ये इनको जो है वो वेस्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक कभी देखा है ये जो बड़ी बड़ी शरिया शरिया की बातें करने वाले ये वजड़ी जैसे मौलवी लोग, ये अफगानिस्तान में आके क्यों नहीं सेटल होते, इराक में क्यों नहीं सेटल होते? इनको सेटल होना है तो इनको वेस्ट चाहिए, इतने बड़े हिपोक्रेट है ये सेटल होना है इनको वेस्ट चाहिए, ये अफगानिस्तान में जाके सेटल नहीं होंगे। जाए ना अफगानिस्तान में बैठे, फिर वहां पे जाके फिर शरिया शरिया करेंगे, हमको शरिया चाहिए, यहां भी शरिया चाहिए। तो इतना तो इनके अंदर हिपोक्रेसी है। उज्जतुल मुर्तदीन साहब कह रहे इस्लाम इज द बेस्ट, नो अदर रिलीजन गिव्स फाइव्स हंड्रेड्स ऑफ हूरियां। आज एकदम उज्जतुल मुर्तदीन मेरे ख्याल से हूरों के ख्वाबों में लगे पड़े हैं। स्पॉन भाई कह रहे कुड इट बी अल्लाह इज ट्रू बट द बुक इज इनकरेक्ट, हो सकता है। हिंदू सनातनी तुम्हारी सदफ किधर है, लाओ उसे बाहर। यार पता नहीं वो किधर गायब हो गई है सदफ। सोल एंड शैडो इफ इस्लाम इज पीसफुल, अच्छा ये मैंने ले लिया था। निश्चय मिश्रा मुस्लिम इज गुड पर्सन अंटिल ही स्टार्ट फॉलोज इस्लाम, वेरी ट्रू एंड वेरी गुड स्टेटमेंट। भूषण चौधरी भाई कह रहे स्टेप 3 रिजल्ट्स अगर अपीजमेंट करते हैं मोदी जी तो चैनल अनब्लॉक, नहीं तो एनपी अपीजमेंट। सही आपकी, देखते हैं। बैट्समैन ब्रूस भाई तुम आज डिनर में क्या खाया? भाई अभी नहीं खाया हूं लेकिन बंदोबस्त करके आया हूं, तो आई हैव समथिंग फॉर मी स्पेशल टुडे। छोटा नहीं सुबह में टॉस, दोपहर को गॉस, रात में सॉस, मोमिन की निशानी है। जॉन नेमो करे शी इज राइट, फ्रांस जर्मनी एंड यूके माइट सून बी इस्लामिक नेशंस, थैंक यू। अमित लिंक भी शेयर कर देना मोमिन हजरात के लिए, जब तक हम फटाफट जितने सुपरचैट्स ले सकते हैं वो ले लेते हैं, लिंक भी शेयर कर दीजिए, सिर्फ मोमिनों के लिए रहेगा, नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े। भूषण चौधरी भाई कह रहे स्टेप 2 मोदी जी आपने एक हाथ में कुरान एंड एक हाथ में लैपटॉप बोला था लेकिन कुरान छीन लिया, साहिल तो सच बताते हैं लैपटॉप छीन लिया, ब्लॉक काट दिया, तो चैनल को अनब्लॉक कर दो, ये बात आपने सही कही है बिल्कुल। अमित त्यागी मैडम गजब है, साहिल जी कौन है ये विद्वान? जो भी है आइडेंटिटी तो नहीं बता सकते, लेकिन मैंने जब इनसे बात की थी कॉल पे आज तो मुझे भी बड़ी जबरदस्त लगी और मैंने कहा कि आप आज आ रही हैं क्या स्ट्रीम में, तो इन्होंने कहा हाँ, तो मैं बोला यार मेरे तो भाग्य खुल गए आज, और आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को नसीहत जी की नसीहतें बहुत अच्छी लगी होगी।
मेडिको जी, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा अमित, अगर नसीहत जी का चैनल का लिंक अगर आपको मिल गया है तो वो भी ज़रा लोगों के साथ शेयर कर दे, ताकि लोग नसीहत जी को सब्सक्राइब कर ले। अखिन जोश मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पृथ्वीराज सिंह कह रहे हैं, ब्रो आपको चैनल अनबैन हुआ कॉज मैं हूँ अभी इंडिया से बाहर हूँ, बट इंडिया के वीपीएन से आई एम एबल टू सर्च योर चैनल। नहीं, अभी अनब्लॉक नहीं हुआ है, कल हम यूट्यूब में अपील करने वाले हैं। तो ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, डिटेल्स कई सारी मालूम हुई है। जी आप कुछ कह रही थी ऑलरेडी नसीहत। नसीहत जी का चैनल का लिंक मैंने पिन कर रखा था पहले, अभी हटा अच्छा के अच्छा टीम का चैनल कर रहा हूँ। तो जो तो लोग भी यार हाँ नसीहत जी को सुनना चाहते हैं, नसीहत जी का चैनल पिन है अभी, आप लोग उस पे सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट से नसीहत जी को सब्सक्राइब करें यार, 5,400 लोग देख रहे हैं। आप लोग नसीहत जी के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, तो और मेरे ख्याल से फिर आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो नसीहत जी उसमें फिर वीडियोस भी बनाएंगी, हो सकता है स्ट्रीम भी करे, आई डोंट नो उनका क्या प्लान है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर लें इनके चैनल को। और एक एक एक्स मुस्लिम, दो तीन एक्स मुस्लिम को अभी कमिंग जो स्ट्रीम्स होंगी मैं लाने की कोशिश करूंगा। उसमें से किसी के खुद के चैनल्स भी है तो वो भी हम उनको भी प्रमोट करेंगे। देखते हैं। तो जो जो लोग आ रहे हैं एक्स मुस्लिम्स और जिन्होंने चैनल ओपन किया है, आप सभी लोग सपोर्ट करें।